हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन ऑफ क्वीन। तो आज मैं आप लोग के साथ पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पराठे तो आप लोगों ने कई बार बनाए होंगे, एक बार इस तरीके से टिफ़िन या सुबह के नाश्ते के लिए आप पराठे बनाइए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम आटा को अच्छी तरह से छान ली हुई हूँ और फिर मैं इसमें पानी ऐड करते हुए इसे मैं सानूंगी। तो मैं देखिए आटे को अच्छी तरह से छान ली हुई हूँ। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम आटा का यूज़ की हुई हूँ। अब मैं इसमें धीरे धीरे पानी को डालते हुए इसे अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। इसका डो हमें सेमी सॉफ्ट डो ही रखना है। अब मैं इसे अच्छी तरह से गूँथूंगी। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो आपकी रेसिपी हो सकती है कि अच्छी नहीं बने। तो आप लोग भी इसे फुल वॉच कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से, किस टिप्स और ट्रिक्स से ये पराठा बनती है। अगर आप इस ट्रिक और टिप्स से बनाइएगा तो आपकी पराठा एकदम ज़बरदस्त बनेगी, कहीं से फटेगी नहीं और बहुत ही मुलायम भी बनेगी। इसीलिए वीडियो को फुल वॉच करते हुए ही जाइएगा। तो देखिए, मैं इसे धीरे धीरे अच्छी तरह से सान ली हुई हूँ, अच्छी तरह से गूँथ ली हुई हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हैं, इसका डो में ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, सेमी सॉफ्ट डो है। तो अब मैं इसे ढक के रख दूँगी। तब तक मैं इस दूसरी तरफ पत्ता गोभी की भुजिया तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे अलग तरीके से ही पराठा की रेसिपी में शेयर करने वाली हूँ। एकदम न्यू तरीका है, तो आप लोग इस रेसिपी को आराम से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रख के अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इसमें मैं ऑयल का यूज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल यूज की हुई हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच सरसों का ऑयल दे रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 1 चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे हरी मिर्च प्याज को ऐड करने के बाद मैं इसे 2 मिनट तक, पहले हम सुनहरा ब्राउन होने तक थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 kg बंधा गोभी का यूज की हुई हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे देखिए सारे बंधा गोभी को बारीक काटने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। वो तो आप लोग इसे बारीक ही काटें, क्योंकि बेलने में आपको आसानी होगी। तो देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर और 1 चम्मच साल्ट का यूज की हुई हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग साल्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम पहले मिला देंगे, 1 से 2 बार अच्छी तरह से आप मिलाइए, ऊपर नीचे से चला चला कर अच्छी तरह से मिलाइए। अब मैं इसे ढक दूँगी। तो मैंने यहाँ पर इसे 2 से 3 मिनट तक ढकने के बाद फिर मैं इसे लीड हटाकर मैं इसे भूज रही हूँ। तो देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से भूज ली हूँ। तो इसे आपको बनाने में 10 से 12 मिनट तक लग जाएगा और आराम से आप बना लीजिएगा। तो देखिए, मैं इसे एक बॉल में निकाल ली हुई हूँ। तो देखिए, ये मैं कितनी अच्छी बंधा गोभी भूजी हुई है। तो आप लोग भी इसी तरह सॉफ्ट भूज लीजिए। तो चलिए, अब हम दूसरी तरफ आटे को चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं आटे पर से लीड हटा दी हुई हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से 4 से 5 बार अच्छी तरह से मस लूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से फिर से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, मेरी आटा कितनी सॉफ्ट है, कितनी अच्छी है, ये देखने से ही शाइनिंग दे रहा है। तो चलिए, अब मैं इसमें से 1 लुई ले लूँगी और 1 लुई लेने के बाद इसमें से हम इसे गोल करेंगे। तो 1 लुई ले लेती हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से गोल कर लूँगी। तो यहाँ पे और एक मेन ट्रिक्स आता है, इसे आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इस तरह से अच्छी तरह से फिल कीजिएगा और बेलिएगा तो आपकी पूरी भी नहीं फटेगी, आपकी भी पराठा नहीं फटेगी। तो मैं देखिए यहाँ पर इसे जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप लोग भी इस तरह से कटोरा से बना लीजिए और इसमें डाल दीजिए वो भुजिया। तो आप देखिए, इतनी इसमें भुजिया डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से हाथों से प्रेस करते हुए इसे मैं बंद कर रही हूँ। तो आप लोग भी आप इसे अच्छी तरह से बंद कर लीजिए और फिर इसे आप अच्छी तरह से गोल गोल कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे आटे को अच्छी तरह से छिड़क कर और मैं इसे पहले देखिए, यहाँ पे मेन ट्रिक्स आता है, यही मैं आपके बारे में ये बताने वाली थी कि यही मेन ट्रिक्स है। आप हाथों से अच्छी तरह से चारों तरफ फैलाइए, ताकि ये एक दूसरे तरफ से अच्छी तरह से ये फैल जाए और ये फटे नहीं। ये तो देखिए, मैं इसे पहले अच्छी तरह से चारों तरफ से मैं फैला दी हुई और हल्की हाथों से 1 से 2 बार ही बस बेलिए और हो गई मेरी पराठा रेडी। तो चलिए, अब हम तवे पर
गैस पे तवे चढ़ाकर अच्छी तरह से गर्म कर ली हुई। फिर मैं यहाँ पे पराठा को ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे पहली बार पलटा ली हुई हूँ। अब मैं यहाँ पे एक चम्मच ऑयल का यूज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सरसों का ही ऑयल यूज की हुई हूँ, क्योंकि सरसों का ऑयल मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। आप जिस ऑयल का भी यूज़ करते हैं, आप उस ऑयल का यूज़ कीजिए। फिर दूसरी तरफ से भी ये सरसों का ऑयल डाल दीजिए और फिर यहाँ पे इसे एक से दो बार अच्छी तरह से पलटा लीजिए और इसे अच्छी तरह से सिकने दीजिए। अगर आप घी लगाना चाहते हैं तो आप घी भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्चून का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसे अच्छी तरह से सिकने दे। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से सिक गई है। तो अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पर ढेर सारी बना करके रख लूँगी। तो चलिए मैं एक बार और आपको बता रही हूँ। तो देखिए आप इसे अच्छी तरह से पहले गोल गोल शेप दे दीजिए और फिर इसे एक अच्छी तरह से कटोरा बना लीजिए और फिर इसमें हम वही डाल देंगे भुजिया। तो अगर मैं आपको एक और सलाह देना चाह रही हूँ कि अगर आप तो सुबह में ही अगर भुजिया बनाए हुए हैं, अगर आपकी ये भुजिया बच जाती है तो रात के टाइम में, शाम के टाइम में भी ये अगर आप चाहें तो आप इसे भुजिया को ऐसे ही आटा सान लीजिए और इसमें भर कर इसे पराठा बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लगती है। या फिर अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके पति ऑफिस जाते हैं, तो सुबह में ये झटपट में ये नाश्ता बनाइए और आप लोग इसे टिफ़िन में पैक कीजिए और टिफ़िन बॉक्स में पैक करने के बाद आप उसे दे दीजिए। वो लोग बच्चे लो या फिर हस्बैंड आपके बहुत ही हैप्पी होने वाले हैं। या फिर ऐसे ही रात के टाइम में भी आप इसे अच्छी तरह से बनाकर खाइए। गर्मा गर्म खाने में तो और ही मज़ा आता है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसे अच्छी तरह से हाथों से प्रेस करते हुए मैं पहले फैला रही हूँ। तो यही मेरी मेन ट्रिक्स है। अगर आप बिना फैलाए हुए ही अगर आप इसे बेलते हैं तो आपकी पराठा फट जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर पराठा फट जाती है, निकलने लगती है तो अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो आप इसे हल्के हाथों से ही बस एक से दो बार अच्छी तरह से बेल दीजिए। तो मेरी हो गई है, देखिए इसे मैं एक से दो बार ही बस बेल रही हूँ। तो देखिए इसकी थिकनेस आपको इतनी रखनी है नहीं है। तो चलिए अब हम फिर इसे तवे पर अच्छी तरह से सीख लेंगे। तो देखिए मेरी कितनी अच्छी पराठा बनी हुई है, अच्छी तरह से बेली भी गई है। तो चलिए अब हम तवे पर चलते हैं। तो तवे पर मैंने फिर से यहाँ पे पराठे को ऐड कर दी हुई हूँ। तो आप पहले इसे एक मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही पकाए, फिर इसमें हम तेल को लगाते हुए अच्छी तरह से मैं इसे अच्छी तरह से मिला रही हूँ। तो आप लोग भी इसे अच्छी तरह से मिलाइए और इसे अच्छी तरह से बाद में लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पकाइए, ताकि ये अंदर तक सिक जाए और खाने में एकदम कच्चापन नहीं रहे। तो इसीलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से सिकिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे ढेर सारी बना करके रख ली हुई हूँ। तो मेरी ये सिक गई है, अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ढेर सारी बना करके रख ली हुई हूँ। तो देखिए कितनी यम्मी बनी है ना मेरी पराठा, देखने से ही लजीज लग रहा है। मन तो कर रहा है निकाल कर ही इसमें से खा लूँ, बट मैंने पहले ही वीडियो को बना ली हुई थी। तो मैं अब इसमें मैं एडिटिंग करने पे इसे डाल रही, तो मन कर रहा फिर से बनाकर खा लूँ। तो मैं इस रेसिपी को एक बार और ट्राई करूँगी। तो आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए। तो अब मैं इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ। देखिए मेरी ये पराठा कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी यम्मी बनी है, देखने से ही लग रहा है कितनी सॉफ्ट है। देखिए मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, क्योंकि जब तक हाथों से तोड़ा नहीं जाता है तब तक तो मज़ा ही नहीं आता है। तो देखिए इसके अंदर की फीलिंग कितनी यम्मी है ना। तो आप लोग इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं कॉमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा। अब आपको नेक्स्ट अगली रेसिपी कौन सी चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए मेरे मुंह में तो बहुत सारा पानी आ रहा है। तो देखिए मैं तो खा भी रही हूँ साथ साथ। तो अगर आप लोग भी इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो जल्दी से बना लीजिएगा, क्योंकि अभी पत्ता गोभी का सीज़न भी है। तो वो आप लोग को पत्ता गोभी ईज़िली मार्केट में मिल जाएगी। तो आप लोग इस रेसिपी को आराम से बनाइए, आराम से खाइए, अपने फैमिली मेम्बर को खिलाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट पहुँच सके। अब हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओ बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।